Hey guys, what's up? This is Amir Aslam here, the faculty of English language. Now I'm going to discuss antonyms. You know, well, कि पहले भी आपको कई वीडियोज एंटोनिम्स के दिए जा चुके हैं. आज फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स के बारे में. और आप जानते हैं कि भली बात ही कि इससे पहले आपको कुछ वीडियो सिनोनिम्स के भी दिए जा चुके हैं, है ना. आई होप आपने उसको अच्छे से किया होगा. और फिर उससे पहले मैंने कुछ ग्रामर के पोर्शन भी आपको कराए हैं, है ना. एक्टिव पैसिव कराया, नरेशन कराया है ना, फिलर्स और फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, कॉमन इरर से, ये सब के वीडियोस आपको दिए जा चुके हैं. आप उसको देखें, है ना, ताकि आप एग्जाम में फिर काफ़ी अच्छे कर पाएंगे. या फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंटोनिम्स के बारे में, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जो आप इंग्लिश लैंग्वेज का जो आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो अगर आप ब्रॉडली अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, वो इंग्लिश के पेपर को, तो आप तीन पार्ट में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना. एक ग्रामर का सेक्शन होगा, और एक वेकेबुलरी का सेक्शन, और एक पैसेज का सेक्शन आपका होता है नोवेल. तो ग्रामर के सेक्शन और वेकेबुलरी के सेक्शन, ठीक है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के जो आप टेस्ट एग्जाम में दे रहे हो, उसमें अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे आप बहुत स्टूडेंट्स को देखे होंगे कि 50 में वो आउट ऑफ 50 कर लेते हैं, 50 आउट ऑफ 50, है ना, 200 के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 190 प्लस वो कर लेते हैं, तो वो कैसे कर लेते हैं, तो इसका राज क्या है. तो एक्चुअली आप भी ये कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर आपका दो पिलर काफी स्ट्रांग है ना, इसके लिए आपको अपना दो पिलर काफी स्ट्रांग करना पड़ेगा, एक ग्रामर का और एक आपका वेकेबुलरी का. कि अगर आपने ग्रामर और वेकेबुलरी का पिलर आपने काफी स्ट्रांग कर लिया, तो आप खुद भी एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परफॉर्मेंस कर पाएंगे वहां पे, है ना. तो आपका परफॉर्म बहुत बेहतर होगा वहां पे अगर आपने वेकेबुलरी और ग्रामर के सेक्शन को आपने अच्छा कर लिया. फिर चूंकि आप पे कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से पूछे जाते हैं, अगर आप कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो डायरेक्ट ग्रामर से होता है. अगर आप फिलर्स की बात करें तो फिलर में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ग्रामर से होते हैं और कुछ आपका वर्ड मीनिंग्स होता है, कुछ आपका वर्ड वेकेबुलरी से होता है, ठीक है. और फिर एक होता है वेकेबुलरी का सेक्शन, उसमें आप देखते हैं कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज वगैरह उसमें आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है. फिर अब एक सेक्शन जो बचा आपका पैसेज का, तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इस पर एक अच्छा कमांड करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पैसेज समझ में आना चाहिए. जो आप पैसेज पढ़ रहे हो, आपको उसको समझ में आना चाहिए कि पैसेज क्या कह रहा है. फिर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या चाह रहा है ना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी फिर एक पैसेज आप अच्छे कर लेंगे. और ये पैसेज को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आपके पास वोकैबुलरी और ग्रामर पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए. कि जब तक आपके ग्रामर पर अच्छी पकड़ नहीं होगी और वोकैबुलरी पे अच्छी पकड़ नहीं होगी, आप पैसेज पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना. पैसेज आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा. पैसेज समझने के लिए किसी भी लैंग्वेज पर, जो है ना, किसी भी लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए, ठीक है ना, उस लैंग्वेज के ग्रामर और उसका वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है ना. तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो तभी समझ में आएगा जब ग्रामर और वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग है. तो ये दो चीज़ आपको करनी ही करनी है. आप अगर इसी तरह फिर होगा, ग्रामर और वोकैबुलरी आपने कर लिया, तो अगर आप कोई पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, आप चीजों को समझने लगेंगे, है ना. जब इतना चीज अगर आप करने लग जाएंगे, तो फिर आपके लिए एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी, आप एग्जाम में काफी अच्छा कर कर आ जाएंगे, ठीक है. तो आइए आज देखते हैं फिर एंटोनिम्स के बारे में, और आज देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. ये लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, इफ ए मिनट. अब आइए कुछ इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूं कि आखिर जो एंटोनिम्स जो है, तो ये जो वोकैबुलरी जो है ना, वोकैबुलरी जो आपका टेस्ट लेता है, तो डिफरेंट स्टाइल में वो आपका टेस्ट ले लेता है ना. कुछ सिनोनिम्स के एज अ सिनोनिम्स पूछ देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. कुछ आपको एंटोनिम्स के फॉर्म में पूछ देता है, कोई एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ दे रहा है ना. तो ये तरीका है, अलग अलग डिफरेंट वे में वो आपका वोकैबुलरी को टेस्ट ले लेता है, ठीक है. सिनोनिम्स के बारे में हम सिनोनिम्स के वीडियो में बहुत डिस्कस कर चुके हैं. अबे आपके एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स बोले तो अपोजिट. देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या है एंटोनिम्स बोले तो, एंटोनिम्स का क्या मतलब होगा, अपोजिट, है ना. देखिए अपोजिट हिंदी में बोले तो उल्टा या विलोम, उल्टा शब्द या फिर विलोम शब्द, दैट इज एंटोनिम्स, वो चीज है आपको मैं यहां पर डिस्कस. हाँ, एंटोनिम्स में क्या होता है ना, कि एक क्वेश्चन आप जानते हैं, क्वेश्चन जो दिया जैसे इफिमिनेट दिया, अब इसका उल्टा अपोजिट वर्ड यहां पर आपको ढूंढना है कि इफिमिनेट मीन्स क्या होता है, फिर उसका जो अपोजिट जो वर्ड है, जो उल्टा है, विलोम है, वो इसका क्या होगा, वो आपको देखना होगा, है ना. ये चीज है. आप मेरा पहले अगर वोकैबुलरी का कोई वीडियो देखे होंगे, तो आपको मेरा टीचिंग का स्टाइल आपको मालूम होगा, समझ में आ रहा है कि मैं आपको किस तरह बताता हूँ. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये नहीं कि इफी मिनट का मतलब मैं आपको बता दूंगा और फिर इसका सही आंसर क्या, सिर्फ ये मैं आपको बता दूंगा, नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है ना.
अगर ऐसा करने पे क्या होता है, सपोज मैंने बता दिया कि फ्यूमिनेट का मतलब क्या हुआ, और उसका अगर आंसर भी मैंने बता दिया कि चलिए उसका आंसर होता है फोर, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा, तो यहाँ पर जो वर्ड आप जो देख रहे हो फैमिली में देख रहे हो, फिर एंटोजेनस देख रहे हो, सॉफ्ट देख रहे हैं, जो 1, 2 एंड 3, ये जो रेस्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, फिर इसका मतलब आप नहीं जान पाएंगे, इसका मतलब नहीं जान पाएंगे। और फिर अगर ये तीन जो वर्ड आप देख रहे हैं, इनमें से अगर कहीं आपके एग्जाम में रिपीट किया तो फिर आप वहां पे ट्रैप कर जाएंगे, है ना। ये वर्ड में से तीन जो वर्ड मैं अगर नहीं बताऊं, और इनमें से कोई वर्ड अगर आपके पैसेज में यूज कर किया है, ठीक है, आपके कॉम्प्रिहेंशन में अगर यूज किया गया है, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ये वर्ड आपको न्यूज पेपर या मैगजीन कहीं मिलेगा तो फिर आप वहां नहीं समझ पाएंगे, है ना। और आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो आप ये चीज समझ रहे होंगे, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन जो आप देखते हो ना, देखो आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन को रिपीट करता है, आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन को रिपीट करता है, समझ रहे हैं। कहीं आप देखेंगे कि यहाँ इफ यूमिनेट क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में है मैनली सॉफ्ट, है ना, और फिर एंट्रोजिनम से और फिर फेमिनिन, लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे कि मैनली है सॉफ्ट है, ये वर्ड आपको एग्जाम में पूछा है कहीं एज ए सिनोनिम्स, कहीं एज ए एंटोनिम्स, कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये आप जो ऑप्शन नंबर जो 2 देख रहे हैं ना, एंट्रोजीनस जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये आपके एग्जामिनर का बहुत फेवरेट वर्ड है, जो कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बार बार पूछता है। तो अगर मैंने यहां पर एंट्रोजीनस को नहीं बताया और आगे बढ़े, तो फिर ये वर्ड अगर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा, अब वहां पर ट्रैप कर जाएंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा कि जो इफिमिनेट वर्ड है ये भी बताऊंगा, इसका जो सही आंसर है वो बताऊंगा, उसका मतलब क्या होता है वो बताता चलूंगा, उसके बाद जो रेस्ट 3 ऑप्शंस बच जाएंगे मैं इनको भी आपके सामने एक्सप्लेन करता चलूंगा, इनको भी आपके सामने मैं रखता चलूंगा, बताता चलूंगा, ठीक है। इस तरह होगा क्या कि एक क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करेंगे, और फिर होगा क्या कि सारे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और चार ऑप्शन मिला जाएगा, कितने हो गए, 5 वर्ड्स हो गए, वो सारे वर्ड आपको क्लियर होते चलेंगे, है ना। कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां वो भी बता दिया करूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इफिमिनेट इसका क्या मतलब होता है। इफिमिनेट है ना, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वुमेन और गर्ल, वुमेन और गर्ल मतलब नारी जैसा, औरतों जैसा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इसका और ही मतलब होता है दुर्बल, कमजोर, ठीक है ना, इफिमिनेट, ठीक है। बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वुमेन और गर्ल, ठीक है, नारी जैसा है ना, या दुर्बल या कमजोर, ठीक है। चलिए हिंदी में आपको बता दिया, जिनको इंग्लिश में अगर ये डिफिनेशन समझ पढ़कर नहीं समझ सकते हैं वो हिंदी आप याद कर लेंगे, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड का, समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे 2 बार 4 बार, आप जहन में पढ़कर आप रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इफेमिनेट वर्ड को अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, यू नो वेल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आप जानते हैं कि पैटर्न क्या है, तो आपसे ये लिखेगा, है ना, कि बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वोमेन, ठीक है ना, और अ गर्ल, है ना, डेट को ये आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, ठीक है, उसमें से फिर आपको एक सही आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं एक एक वर्ड को इस तरह से एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ताकि अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड रिपीट हो तो आप तुरंत बना सके, समझ सके कि उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, 4, बोले तो मैनली, क्या होगा, मैनली। आइए मैनली का मतलब देखते हैं क्या होता है। हैविंग द, हैविंग द क्वालिटीज और एप्रियंसेस, एप्रियंस कीजिए, एप्रियंस, ठीक है ना, हैविंग द क्वालिटीज और एप्रियंस मोर एप्रोप्रिएट, मोर एप्रोप्रिएट टू अ मैन, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्या कहता है कि हैविंग द क्वालिटीज और अपीयरेंस मोर एप्रोप्रिएट टू अ मैन, दैट इज अ मैनली, मतलब क्या होता है इसका, हिंदी क्या हो सकता है, बोले तो मर्द, मर्दों जैसी, मर्दों जैसी, है ना, या फिर मर्दों के गुणों से सुशोभित, पुरुषों के गुणों से सुशोभित, जिसमें पुरुषों के गुण पाए जा रहे हो, समझ में आ रहा है ना, क्वालिटीज में और अपीयरेंस में, दैट इज अ मैनली, है ना।
इसकी और एक अंग्रेजी क्या हो सकती है, मैनिश, याद रखिएगा क्या हो सकती है, मैनिश, क्लियर है ये चीज है। लेकिन और देख लेते हैं एक चीज क्या है कि मैनली, ये जो आप देख रहे हैं ना मैनली वर्ड, ठीक है, इसका एक और मतलब भी होता है, ब्रेव या डिग्निफाइड, क्या होता है, ब्रेव या डिग्निफाइड, ब्रेव या डिग्निफाइड, ठीक है, ये मैनली, मैनली का मतलब एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैविंग द क्वालिटीज एंड अपीयरेंस मोर एप्रोप्रिएट टू अ मैन, है ना, मैनिश, है ना, मर्दों जैसी, या पुरुषों के गुणों से सुशोभित होता ही है, लेकिन मैनली का मतलब ब्रेव या डिग्निफाइड भी होता है, ठीक है, मतलब वीर या महान, क्या होता है, वीर या महान, तो आप दोनों याद रखेंगे। अब यहां पर से देखिए एक नया वर्ड आपको मिला, ब्रेव और डिग्निफाइड, याद रखिएगा, ये सब वर्ड आपके एग्जाम में रिपीट करता रहता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर हो गया, अब हम देखते हैं आगे जो थ्री जो ऑप्शन रेस्ट बचे हैं इनका क्या मतलब होता है ना। तो पहले देखते हैं फेमिनिन, है ना, फेमिनिन क्या होता है इसका मतलब, बहुत सिंपल वर्ड है, परटेनिंग टू अ वोमेन और गर्ल, है ना, मतलब स्त्री जाति का, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है, फेमिनिन का होता है पर्टेनिंग टू अ मैन और गर्ल, समझ आ रहा है, फेमिनिन मैस्कुलिन और जेंडर पढ़ते समय आपने पढ़ा भी होगा, इस वर्ड को सुना होगा कई बार, है ना, कहता है पर्टेनिंग टू अ मैन सॉरी वोमेन और गर्ल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब स्त्री से संबंधित, सिंपल सा वर्ड था। अब देखिए अभी एक जो ऑप्शन नंबर टू है एंट्रोजीनियस, इसको याद रखिएगा, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, लिख दे रहा हूं, मेल एंड फीमेल, ठीक है, कहता है कि हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, जिसमें वो मेल और फीमेल, है ना, कि दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं, बोले तो उभयलिंगी, हिंदी में क्या बोलेंगे, उभयलिंगी, ठीक है ना, और इंग्लिश में आपका डिफिनेशन मैंने लिख दिया कि हैविंग बोथ, है ना, मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, फिनिश, ये वर्ड मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। अब एक वर्ड है सॉफ्ट, बहुत सिंपल सा, बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, फिर भी लिख देता हूं, याद रखिएगा इसको क्या होता है सॉफ्ट मतलब, है ना, स्मूथ हो सकता है या फिर डेलिकेट कह सकते हैं, स्मूथ या डेलिकेट बोले तो चिकना या कोमल, कौन सा वर्ड हो जाएगा, चिकना या कोमल, यहां दो वर्ड है स्मूथ और डेलिकेट, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, कहीं भी आपसे पूछ सकता है क्या होता है चिकना, है ना, या कोमल, क्लियर है। अब देखिए इसी तरह सारा वर्ड हो गया, इफिमिनेट हो गया, फेमिनिन हो गया, है ना, एंट्रोजीनियस हो गया, सॉफ्ट हो गया, मैनली हो गया, सारे वर्ड आपके सामने हैं, अब आप खुद फील करेंगे कि नहीं, अब इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपसे पूछा तो आपसे छूटेगा नहीं, कुछ कुछ आपको नए वर्ड भी मिल गए, है ना, डेलिकेट वर्ड मिल गए आपको, और फिर क्या मिल गया आपको, स्मूथ मिल गए, फिर आपको मैनली का और ही बताया था आपको, पहले हमने ब्रेव बताया था, डिग्निफाइड बताया, तो वो सारी चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है, इसी तरह हम एक एक वर्ड को करते चलेंगे। आइए अगला देखते हैं, अगला है हमारा रिप्रीमेंडेड, क्या है, रिप्रीमेंडेड, है ना, तो आइए देखते हैं रिप्रीमेंड मतलब होता है क्या है, रिप्रीमेंड क्या होता है, रिप्रीमेंड मतलब इस कॉल्ड सिवियरली, है ना, फॉर सम नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, क्या कहता है कि एस्कॉल्ड, है ना, सिवियरली फॉर सम निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी डेट कॉल्ड रिप्रीमेंड, है ना, कहने का क्या मतलब है, सख्ती से डांटना, फटकारना, है ना, कहते हैं कि डांटना या फटकारना, डेट इज ए रिप्रीमेंड, ठीक है, इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू, बोले तो प्रेस्ड, है ना, क्या होता है, प्रेस्ड, तो आइए प्रेस को देख लेते हैं,
याद रखिएगा, प्लेस मतलब क्या होगा, टू एक्सप्रेस योर अप्रूवल, टू एक्सप्रेस योर अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमायरेशन फॉर समबडी और समथिंग, है ना। इसकी एक दूसरी भी अंग्रेजी और क्या हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब क्या है, प्रेज टू एक्सप्रेस योर अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेट सॉरी एडमिरेशन, ठीक है ना, फॉर समबडी और समथिंग, मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। इसकी दूसरी अंग्रेजी क्या हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट, यहां पर मैंने लिख दिया, याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो रिप्रेमेंड आपको मैंने बता दिया कि डांटना फटकारना, है ना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, चीज हो गया, याद रखिएगा दोनों चीज। अब हमारा ऑप्शन बचा है क्या, रिब्यूक, है ना, एडमोनिश एंड शाउट, देखते हैं इन सब का क्या मतलब होता है। देखिए अब जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, रिप्रीमेंड और आपने प्रेस देख लिया, लेकिन अब जो रेस्ट ऑप्शंस बचे हैं, रिब्यूक एडमोनिश्ड और शाउट, इनमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपके पिछले एग्जाम में रिपीट नहीं किया गया हो, है ना, ये सारे वर्ड रिपीट होते रहते हैं, डेट्स में मैं एक एक ऑप्शन को आपको करवाता चल रहा हूं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, है ना, क्या वर्ड है, रिब्यूक, वर्ड क्या आपका, रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, टू स्पीक सिवरली टू समबडी, ठीक है ना, क्या होता है, टू स्पीक सिवरली टू समबडी, इसका मतलब भी वही होता है जो लगभग आपका रिप्रेमेंड का मतलब होता है ना, लगभग वो सब क्या है, ऑल अराउंड वो मिलता जुलता सिमिलर वर्ड है। तो रिब्यू का भी मतलब क्या होगा, डांटना या फटकारना, वो एक स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन लगभग मिलता जुलता सा वर्ड है ना। तो रिप्रेमेंड का मतलब भी आपने देखा डांटना फटकारना, रिब्यू का मतलब भी होता है डांटना फटकारना, है ना। इसकी एक और अंग्रेजी रिब्यू की हो सकती है, वो आप याद रखिएगा, डेट इज अ रिप्रूफ, लिख दे रहा हूं, रिप्रूफ, है ना, इसका मतलब भी होता है डांटना या फटकारना। तो इस तरह देखिए आपको नया नया वर्ड भी कहीं कहीं आपको मैं देता चलूंगा, मिलता चलेगा, तो वो आप याद करते चलेंगे, है ना, वो सबको अपने स्टॉक में रखते चलेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि फिर कुछ ही दिनों में आपके पास एक ग्रेट वोकैबुलरी हो जाएगी, उसका एक भंडार हो जाएगा आपके पास। चलिए आगे चलते हैं, अब एक हमारा वर्ड क्या है, एडमोनिश, ये इतने ऑप्शन है, क्वेश्चन है ना, ये सब आपके पास्ट फॉर्म में दिए, मैं सबको आपको प्रेजेंट में बता दे रहा हूं, ठीक है। एडमोनिश का मतलब क्या होगा, गिव अ माइल्ड वार्निंग, गिव अ माइल्ड वार्निंग और जेंटल रिप्रूफ, ठीक है ना, जेंटल रिप्रूफ, ठीक है। क्या कहता है, एडमोनिश मतलब गिव अ माइल्ड वार्निंग और जेंटल रिप्रूव मतलब चेतावनी देना या डांटना। यहां एक नया वर्ड आपने देखा है रिप्रूव, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका मतलब ही डांटना या फटकारना या चेतावनी देना होता है। लगभग आपने सारे वर्ड देख लिया, हाँ एक वर्ड आपका बचा है, क्या है वो, डेट इज अ शाउटेड, है ना, बहुत सिंपल सा वर्ड है ना, शाउट, शाउट का मतलब क्या होता है, टू स्पीक, टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस, टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस मतलब चिल्लाना या जोर से बोलना, क्या होता है, चिल्लाना या जोर से बोलना, ठीक है। तो रिब्यूक, प्रेज, एडमोनिस्ट, शाउट, सारे वर्ड आपको देख लिया, आप याद कर लीजिएगा, नया वर्ड आपको मिल गया, रिप्रूव मिल गया, यहां रिप्रूव, यहां रिप्रूव, इस सारे वर्ड को आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इस सारे वर्ड रिपीट होते रहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अब हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम, इसका और ऑप्शन से हमारे क्या क्या है, कंपोजर है, इम्बैलेंस है, स्टेबिलिटी एंड इन इक्वालिटी है। सबसे पहले तो आइए देखते हैं इक्विलिब्रियम मीन्स होता क्या है,
इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग बैलेंस्ड, स्टेट ऑफ बीइंग बैलेंस्ड मतलब संतुलन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग बैलेंस्ड, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? संतुलन, ठीक है ना, संतुलन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इम्बैलेंस। सही ऑप्शन क्या होगा? इम्बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम मैंने आप आपको समझा दिया। अब आइए, ये डिफिनेशन मैं बार बार कर रहा हूँ इसको, है ना, कि थोड़ा सा जो मैं लिख दे रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वर्ड को ना, थोड़ा आप इसको पढ़कर अपने जहन में बैठाने की आप कोशिश करेंगे, है ना। उससे क्या होगा कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आइए आगे देखते हैं, इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस में, है ना, सिंपल। जब आप जान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बता दिया है ना कि संतुलन, तो आप खुद ब खुद समझ रहे होंगे अब इम्बैलेंस मीन्स क्या होता है ना। फिर भी लिख देता हूं, नॉट नॉट बैलेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इक्विलिब्रियम, नॉट बैलेंस और इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं, मतलब असंतुलन। इम्बैलेंस मतलब क्या होगा? नॉट, है ना, बैलेंस और इक्विलिब्रियम मतलब असंतुलन, अर्थात तो जो संतुलन में ना हो, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया। अब वर्ड हमारा बचा है कंपोजर। आइए देखते हैं कंपोजर वर्ड क्या होता है। वर्ड है क्या है? कंपोजर। क्या होता है कंपोजर मतलब? बहुत सिंपल वर्ड है, कामनेस ऑफ माइंड, ठीक है, कामनेस ऑफ माइंड मतलब दिमागी शांति। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्या होगा इसका? दिमागी शांति, मानसिक स्थिरता, डेट इज अ कंपोजर, है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना, कामनेस ऑफ माइंड, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्या वर्ड है? अब हमारा वर्ड आपका है स्टेबिलिटी। तो आइए देख लेते हैं स्टेबिलिटी मीन्स क्या होगा। सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं, दैट्स मैं एक एक ऑप्शन को करा रहा हूँ। आप घर पर भी मेहनत करें, इस तरह ऑप्शंस पे आप मेहनत करते रहेंगे, है ना, उसको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आप खुद ही कुछ दिन में रियलाइज करेंगे फिर कि आप काफी अच्छा करने लगे हो। स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी क्या होता है इसका मतलब देख लीजिए। स्टेबिलिटी मतलब क्या होगा? क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टेबल, क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टेबल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टेबल मतलब दृढ़ता। स्टेबिलिटी मीन्स क्या होगा? दृढ़ता, क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टेबल, ठीक है, दृढ़ता। यहां एक वर्ड जो आपने देखा है कि स्टेबल, आइए थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेबल, स्टेबल मतलब क्या होता है बोले तो? फर्म। स्टेबल का मतलब क्या होगा? फर्म। फर्म का मतलब क्या होगा? दृढ़, ठीक है, स्टेबल मतलब फर्म, दृढ़, है ना, और स्टेबिलिटी मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टेबल अर्थात दृढ़ता। फिनिश है, क्लियर है, याद रखिएगा। अब आइए, अब हमारा एक लास्ट वर्ड क्या बच गया है? इनइक्वालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इनइक्वालिटी। क्या होता है इसका मतलब? डिफरेंस इन, डिफरेंस इन साइज, रैंक, वेल्थ, है ना, वेल्थ, बहुत सारी चीज हो सकती है। बोले तो असमानता। इनइक्वालिटी मतलब क्या होगा? असमानता, है ना। इनइक्वालिटी का मतलब एक और चीज होता है, उसको भी आप थोड़ा देख ले। इसका मतलब सोशल डिस्पैरिटी भी होता है। सोशल, सोशल डिस्पैरिटी मतलब सामाजिक विषमता, है ना। तो इनइक्वालिटी का मतलब एक तो आपने देखा कि सोशल डिस्पैरिटी, सामाजिक विषमता भी होता है, और एक है डिफरेंसेस, चीजों में डिफरेंसेस बोले तो असमानता भी होता है। दोनों चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया? इनइक्वालिटी क्लियर, स्टेबिलिटी, इम्बैलेंस, कंपोजर, सब वर्ड मैं आपको बता चुका हूं। अब आपका काम है सब सारे वर्डों को याद कर लेना, ठीक है। मैं हिंदी भी बोल दे रहा हूँ, इसलिए
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिन्हें ये डिफिनेशन समझ के समझने वर्ड प्रॉब्लम हो कि वो हिंदी याद करेंगे, है ना, उस तरह याद करके देख लेंगे। चलिए आगे, हमारा वर्ड क्या है, पॉजिटिव। ऑप्शन क्या है हमारा, पैरागॉन, है ना, प्रोनाउंस, प्लीथोरा और परसुएड। अब ये ऑप्शन को देख के ही आपको लग रहा होगा, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया होगा तो, कि कहीं ना कहीं ये वर्ड आपने पहले भी देखा है, और बिल्कुल आपने सही आपने सोच रखा है और सही सोच रहे हो, क्योंकि सारे वर्ड आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, है ना, ठीक है ना। पैरागॉन है, प्रोनाउंस है, प्लीथोरा है, ठीक है ना, प्रोनाउंस है ना, प्लीथोरा और परसुएड है, ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। कहीं क्वेश्चन पूछा है एज अ सिनोनिम्स के रूप में, कहीं क्वेश्चन पूछा है एज अ एंटोनिम, कहीं आपका क्वेश्चन पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, इसलिए आप भाग नहीं सकते हैं किसी वर्ड से। आइए देखते हैं पॉजिटिव मीन्स क्या होता है। क्या वर्ड है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। A small amount of something. A small amount of something, है ना, या और भी याद रखिएगा इसका और क्या होता है, ये तो हो गया, और भी क्या हो सकता है, A smallness हो सकता है ना, A smallness हो सकता है, और इन सफिशिएंसी ऑफ नंबर, ठीक है, दो चीजें, कि क्या है कि एक आप पॉजिटिव देख रहे हो, या स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, या स्मॉलनेस और इनसफिशियंसी ऑफ नंबर, मतलब कमी या अभाव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमी या अभाव, याद रखिएगा। इसके कुछ और एक दो अंग्रेजी में बता देता हूं, जो पॉजिटिव वर्ड आपके एग्जाम में रिपीट करता रहता है बहुत ज्यादा, तो एक वर्ड इसकी है, एक हो सकता है स्कारसिटी। क्या वर्ड है, स्कारसिटी, याद रखिएगा, स्कारसिटी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और दूसरा एक वर्ड होता है इसका, एक तो आपने देखा स्कारसिटी, और दूसरा वर्ड क्या है, स्कैंटीनेस, स्कैंटीनेस, ये दो वर्ड जो है, स्कैंटीनेस और स्कारसिटी, याद रखिएगा, ये दोनों का मतलब भी होता है कमी या अभाव, ठीक है। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर टू, सॉरी टू नहीं, ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है ना, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री, बोले तो प्लिथोरा, है ना। अब आइए देख लेते हैं प्लिथोरा मीन्स क्या होता है। आपने वर्ड पे और ग्रामर पे आपने ग्रिप कर लिया, फिर आपका रिजल्ट उतना में ही होगा, है ना, डेट मीन्स आपने लैंग्वेज पर एक अच्छा पकड़ बना लिया, फिर आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। ना अवेयर जो प्लेथोरा है, इसको देखिए क्या होता है, क्वांटिटी ग्रेटर देन व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नीडेड, है ना, मतलब आवश्यकता से अधिक, ठीक है ना, क्वांटिटी ग्रेटर देन व्हाट इज नीडेड, बोले तो आवश्यकता से अधिक, है ना, प्लेथोरा बोले तो एक्सेस, एक्सेस, है ना, एक्सेस, ई एक्स सी ई डबल एस, ठीक है, एक्सेस, प्लेथोरा, याद रखिएगा इस चीज को, पॉजिटिव कमी, प्लेथोरा अधिकता, है ना, आवश्यकता से अधिक, दैट इज अ प्लेथोरा, लिख दिया हूं, क्वांटिटी ग्रेटर देन व्हाट इज नीडेड, बोले तो एक्सेस, ठीक है। वो आपने पॉजिटिव देख लिया, प्लेथोरा देख लिया, अब आइए थोड़ा देखते हैं पैरागन का मतलब क्या होता है, लिखता हूं यहां पे, अ मॉडल ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है ना, पैरागॉन का मतलब क्या होता है, मॉडल ऑफ एक्सेलेंस, मतलब नमूना या आदर्श, क्या होगा, नमूना या आदर्श, इसका एक और मतलब होता है, थोड़ा उसको भी देख लीजिए, अ पर्सन हु इज परफेक्ट, अ पर्सन हु इज परफेक्ट, मतलब आदर्श व्यक्ति, अर्थात पैरागॉन का मतलब आदर्श या नमूना भी होता है, और इसका मतलब क्या, आदर्श व्यक्ति भी होगा, है ना, आप चीजों को आप याद रखेंगे, क्लियर है। चलो अब अगला वर्ड जो है हम लोग उसे कर लेते हैं,
नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? प्रोनाउंस. बहुत सिंपल सा वर्ड है. ठीक है, मेक द साउंड ऑफ अ वर्ड, समझ में आ रहा है? मेक अ मेक द साउंड ऑफ अ वर्ड मतलब होता है उच्चारण करना. प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? उच्चारण करना, ठीक है ना. मेक अ द साउंड ऑफ अ वर्ड. ठीक है, और भी एक चीज होता है इसका, याद रखिएगा, अक्सर यूज में होता है, डिक्लेयर. क्या होता है? डिक्लेयर मतलब इसका. डिक्लेयर है ना, मतलब घोषित करना. ठीक है, तो प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना भी होता है, और प्रोनाउंस का मतलब डिक्लेयर अर्थात घोषित घोषणा करना भी होगा. दोनों वर्ड को आप याद रखेंगे, है ना. अब ये वर्ड देखिए, वर्ड है आपका परसुएड. इसका क्या मतलब होगा? इंड्यूस Somebody, है ना, टू डू समथिंग. Somebody टू डू समथिंग बोले तो फुसलाना या मन फेरना. क्या होगा? फुसलाना या मन फेरना, किसी को बहलाना, फुसलाना, किसी का मन फेरना, मन बदलना. ठीक है, दैट इज अ परसुएड. चलिए ठीक है, तो परसुएड हो गया. प्लेथोरा ऑफ प्रोनाउंस एंड द पैरागॉन, सारे वर्ड मैंने आपको बता दिया, अब आप इसे अच्छे से याद करेंगे. चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है टर्बुलेंट. क्या है? टर्बुलेंट. ऑप्शन है प्लेसिड है, कॉशस है, डिलाइब्रेट है और ओबेडियंट है. तो ये सबसे पहले देखते हैं कि टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मीन्स क्या होता है. टर्बुलेंट है ना, being in a state of agitation, या disturbed है ना, या unruly. क्या कहता है? कि being in a state of agitation है ना, या फिर disturbed, या फिर unruly मतलब अशांत, हंगामा, control से बाहर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अशांत, हंगामा या कंट्रोल से बाहर. ठीक है, रेड इज अ टर्बुलेंट. इसका ऑप्शन क्या होगा? रेड इज अ प्लेसिड. ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर प्लेसिड को एज अ सिनोनिम्स भी पूछता है आपसे, है ना, कि प्लेसिड मीन्स क्या होगा. सारे चीजों को आप याद रखेंगे. आइए लिख, प्लेसिड का मतलब लिख देता हूं. प्लेसिड क्या होगा? प्लेसिड मतलब है ना, काम एंड पीसफुल. काम एंड पीसफुल मतलब शांत या गंभीर, है ना, कहते शांत स्वभाव का, शांत या गंभीर, डेट इज अ प्लेसिड. तो याद रखिएगा, ठीक है, टर्बुलेंट हो गया, प्लेसिड हो गया. अब आइए, अब कुछ ऑप्शंस बचे हैं, हम उन्हें देख लेते हैं, है ना. जो वर्ड आप देख रहे हो कॉशस, इसका मतलब क्या होता है? शोइंग कॉशन. कॉशन, शोइंग कॉशन है ना, मतलब चौकस या सचेत. क्या होगा? चौकस या सचेत, दैट इज अ कॉशस. ठीक है, अब आइए वर्ड है डिलाइब्रेट. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप में से मोस्ट ऑफ जानते भी होंगे जिन्होंने थोड़ा सा भी वोकैबुलरी पे मेहनत की होगी. चलिए, वर्ड हमारा क्या है? डिलाइब्रेट. तो आइए देखते हैं डिलाइब्रेट मीन्स क्या होगा. डन विद इंटेंशन, डन विद इंटेंशन, डन विद इंटेंशन है ना, मतलब क्या होता है? जानबूझकर किया गया. डिलाइब्रेट का मतलब क्या होगा? डन विद इंटेंशन मतलब जानबूझकर किया गया, है ना. इसकी एक और भी अंग्रेजी होती है, याद रखिएगा,
डेट इज अ इंटेंशनल. क्या होता है? डेट इज अ इंटेंशनल, है ना, इंटेंशनल. डिलाइबरेट अर्थात इंटेंशनल, बोले तो डन विद इंटेंशन, मतलब जानबूझकर किया गया. याद रखिएगा इस वर्ड को, ठीक है. लास्ट हमारा क्या बचा है? ओबेडियंट. बहुत ही सिंपल वर्ड है. क्या है? ओबेडियंट, है ना. डूइंग वॉट वन इज टोल्ड टू डू, है ना. डूइंग वॉट वन इज टोल्ड टू डू मतलब क्या होगा? आज्ञाकारी. क्या होता है? आज्ञाकारी. क्लियर है? एक एक वर्ड ऐसा जो है, मैं आपको हिंदी भी साथ साथ बताता चल रहा है ना, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मैंने हिंदी नहीं बताया, ठीक है. क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं, बताते हैं कि थोड़ा वो कि सर इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्ट भाई मैं हिंदी भी बता देता हूँ कि जो बच्चे जिन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है ना, वो डायरेक्ट हिंदी समझ कर वो याद करेंगे, वो चीज़ों को अपने जहन में बैठाएंगे, है ना. चलिए आगे देखते हैं. अब अगला हमारा वर्ड क्या है? मिटिगेट, है ना. ऑप्शन क्या है? अपीज, इनहेंस, एलाय एंड रिलीफ. आगे देखते हैं. सबसे पहले मिटिगेट मीन्स क्या होता है? वर्ड क्या है? मिटिगेट. मिटिगेट मीन्स होगा टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल. ठीक है, लेस हार्मफुल या श्रेयस, है ना. मतलब कम करना या घटाना. क्या होता है? कम करना या घटाना. मिटिगेट ही कुछ और इंग्लिश होती है जो मैं आपको लिख देता हूं. एलिविएट, है ना, या फिर अली. एलिविएट या अली, ठीक है ना. इसका मतलब भी क्या होता है? कम करना या घटाना. कम करना या घटाना, ठीक है. ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन रेडी इन, ठीक है ना. ऑप्शन क्या होगा? इनहांस. क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू, इनहांस. क्या होता है इनहांस मींस? इनहांस. ठीक है ना, इंक्रीज, इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव, मतलब बढ़ाना या वृद्धि करना. इनहांस का मतलब क्या होगा? इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव, अर्थात बढ़ाना या वृद्धि करना, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या बचा इसमें? नेक्स्ट वर्ड क्या है? अपीज, ठीक है. देखते हैं उसको क्या होता है. अपीज का मतलब क्या होगा? टू ब्रिंग टू ए स्टेट ऑफ पीस, टू ब्रिंग टू ए स्टेट ऑफ पीस, है ना. या फिर टू पैसिफाई मतलब शांत करना या संतुष्ट करना, ठीक है. तो अपीस का मतलब भी क्या होगा? शांत करना या संतुष्ट करना, है ना. अब आगे हम वर्ड को देखते चलते हैं. हमारा आगे वर्ड क्या है? अले, है ना. क्या वर्ड है आपका? अले. क्या होता है इसका मतलब? टू रिड्यूस, टू रिड्यूस या टू लेसन, है ना. ये स्पेशली यूज होता है पेन, ट्रबल, फियर, है ना, ठीक है. पेन, ट्रबल या फियर मतलब टू रिड्यूस या टू लेसन, स्पेशली पेन, फियर या ट्रबल. इसका मतलब भी क्या होगा? है ना, दुख, भय, संकट आदि को कम करना, है ना. कह सकते इसका मतलब क्या होता है? कम करना, घटाना, है ना. दुख, भय, संकट, है ना, पेन, ट्रबल, फियर को कम करना, मिनिमाइज करना. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, डेट इज अली, है ना. चलिए अब एक वर्ड हमारा क्या बचा है? ठीक है, रिलीव.
क्या होगा, लेसन और रिमूव पेन, लेसन और रिमूव पेन मतलब दर्द कम करना, क्या होगा, लेसन और रिमूव पेन मतलब दर्द कम करना, ठीक है। चलिए सारे वर्ड हो गए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या, कंट्रोवर्सियल। ऑप्शन क्या हमारा, अनसर्टेन, डूबियस, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड एंड द क्वेश्चनेबल। आइए एक एक करके सारे वर्ड को देख लेते हैं। कंट्रोवर्सियल क्या मतलब होगा इसका, फुल ऑफ कंट्रोवर्सी, फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज मतलब क्या होता है, फुल ऑफ कंट्रोवर्सी मतलब क्या होगा, विवादग्रस्त, क्या होगा, विवादग्रस्त, बोले तो डिस्प्यूटेबल, इसकी अंग्रेजी क्या हो सकती है, डिस्प्यूटेबल, है ना, विवादग्रस्त, ठीक है, कंट्रोवर्सियल, फुल ऑफ कंट्रोवर्सी, बोले तो डिस्प्यूटेबल, विवादों से भरा हुआ, विवादग्रस्त। और इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोले तो अनडिस्प्यूटेड, है ना। अनडिस्प्यूटेड देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट कैन नॉट बी डेट कैन नॉट बी क्वेश्चन और डिस्प्यूटेड, डेट कैन नॉट बी क्वेश्चन और डिस्प्यूटेड, है ना, मतलब अविवादित। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है, विवादित, है ना, कंट्रोवर्शियल का उल्टा क्या हो जाएगा, अविवादित, ठीक है ना, बताया ना कि विवादित या विवादग्रस्त, उसका जस्ट अपोजिट अनडिस्प्यूट, है ना, ये चीज है अविवादित, क्लियर है। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऑप्शंस बच गए हैं हम लोग उन्हें कर लेते हैं। होता है क्या ना, सीधा आपको क्वेश्चन आंसर करा के आगे बढ़े, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको पहले ही बता चुका कि डूबीएस है, क्वेश्चनेबल है, ये ऑप्शंस कहीं अगर रिपीट करेंगे तो फिर आपसे नहीं बनेंगे, दैट्स मैं बोलता हूँ बार बार, है ना, सारे वर्ड को देखते चलो। अब ये वर्ड जो आप देखिए क्या है, अनसर्टेन, क्या है वर्ड, अनसर्टेन, है ना, अनसर्टेन मतलब क्या होगा, नॉट डेफिनेटली, नॉट नॉट डेफिनेटली अनसर्टेनेबल, ठीक है ना, अनसर्टेनेबल मतलब क्या हो जाता है इसका, मतलब अनिश्चित, ठीक है ना, अनसर्टेन का मतलब क्या होगा, अनिश्चित, नॉट डेफिनेटली, ठीक है ना, अनसर्टेनेबल मतलब अनिश्चित, तो याद रखिएगा अनसर्टेन अनिश्चित। अब एक वर्ड है आपका डूबियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आपके एग्जाम में रिपीट करता है ये वर्ड, डूबियस को फीलिंग डाउट, क्या होगा, फीलिंग डाउट, है ना, या फिर नॉट ट्रस्टवर्दी, है ना, मतलब संदिग्ध या फिर अनिश्चित। डूबियस का मतलब क्या होगा, फीलिंग डाउट या नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब संदिग्ध या फिर अनिश्चित, क्लियर है। चलिए अब एक वर्ड हमारा क्या बच गया, लास्ट, क्वेश्चनेबल, है ना, क्वेश्चनेबल, ठीक है, एडमिटिंग ऑफ सम डाउट या फिर डूबियस, फिर डूबियस मतलब संदेह युक्त, मतलब संदेह युक्त, एडमिटिंग ऑफ सम डाउट, है
है ना, या फिर डूबियस, इसका मतलब क्या होगा, संदिग्ध, है ना। डूबियस का मतलब मैं आपको अभी ऊपर लिख चुका हूं, है ना, कि फीलिंग डाउट, बोले तो नॉट ट्रस्टवर्दी, है ना, ठीक है, संदिग्ध। चलिए क्लियर है, आइए देखते हैं अगला वर्ड। आज का हमारा लास्ट वर्ड है ट्रांजिएंट, है ना, आइए इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। ट्रांजिएंस आपके एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट वर्ड है ये, है ना, क्योंकि इसको बार बार रिपीट करते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग, ठीक है ना, ट्रांसेंट, ठीक है, द कंडीशन ऑफ बीइंग ट्रांसेंट मतलब क्या होता है, अल्पकालिकता, है ना, क्या होता है, अल्पकालिकता, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना ट्रांजिएंट, ये वर्ड अब इसको जो आप देख रहे हो ना ट्रांजिएंट, आप इसको समझ जाए थोड़ा। ठीक है, क्या है ट्रांजिएंट, इसको देखिए क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम या टेम्पोरेरी, ठीक है, मैंने अस्थाई, है ना, या अल्पसामयिक, अस्थाई या अल्पसामयिक, जैसे दैट कॉल ट्रांजेंट, ठीक है, ट्रांजेंट याद रखिएगा। और वहीं से आपको बनाया वर्ड आपका ट्रांजेंस बता दे, द कंडीशन ऑफ द बींग ट्रांजेंट, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए एग्जाम में ये वर्ड आपके बहुत रिपीट करते रहते हैं। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन, है ना, इंटरनिटी, क्या होता है इंटरनिटी, टाइम टाइम विदाउट इंट मतलब आनंद, टाइम विदाउट इंट बोले तो आनंद, ठीक है। अब आगे देखिए समझाता, नेक्स्ट, अब हमारा अगला वर्ड क्या है, आप शैलो, क्या है शैलो, इसका मतलब देखिए क्या होता है, शैलो मीन्स नॉट ग्रेट डेप्थ, नॉट ग्रेट डेप्थ मतलब कम गहरा या छिछला, शैलो मीन्स क्या होगा, कम गहरा या छिछला, है ना। चलिए क्लियर है, अब एक वर्ड आपका क्या है, स्लो, स्लो मतलब क्या होता है, नॉट नॉट क्विक या डल, बोले तो सुस्त या मंद, नॉट क्विक और डल, सुस्त या मंद, फिनिश। एक वर्ड है आपका रेस्ट, बहुत सिंपल सा वर्ड है, रेस्ट की सिर्फ मैं एक दूसरी अंग्रेजी बता देता हूं जो आप याद कर लेंगे, वो है आपका रिपोज, मतलब क्या होता है, आराम, रेस्ट बोले तो रिपोज मतलब आराम, ठीक है ना, ये सारे वर्ड को आप याद कर लेंगे आज, बस इतना, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, है ना। एक एक वर्ड जो आप देख रहे हैं आप इस तरह घर पर मेहनत करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसमें फायदा क्या है कि एक एक वर्ड आपके नजर से गुजरता चला जाता है, इस तरह आप करेंगे फिर आपको पता चला कुछ ही दिनों में आपके पास एक ग्रेट वोकैबुलरी आपके पास हो गई है, एक बड़ा सा स्टॉक आपके अंदर हो गया, है ना, तभी फिर आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए आज बस इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।